आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्लास 11 का मैथमेटिक्स है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। उसमें जो है पिछले लेक्चर में हम लोग लिमिट पढ़े थे, आज के लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 13.2 चैप्टर जो हमारा जो एक्सरसाइज होगा उसके लिए आज का लेक्चर होगा, जो डिफरेंशिएशन है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा जो है डिफरेंशिएशन जो होता है, जैसे कि तुमको कोई फंक्शन है, अगर y जो है x का अगर फंक्शन है, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अगर y में चेंजिंग होगा, जब x में कुछ चेंज होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा। तो ये जो तुम्हारा होगा y में अगर चेंज होगा, मानते हैं डेल्टा y, अगर x में चेंज हो गया डेल्टा x, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा x हो गया। तो अगर x में चेंज हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज होता है। तो और इन दोनों का जो चेंज का रेशियो होता है, अगर इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन जो तुमको होता है, डी वाई बाई डी एक्स में इसको सिंबल देते हैं, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करने का डिफरेंशिएशन का सिंबल, दैट्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जो एक्स में चेंज अगर स्मॉल हो बाय वाई में हुआ चेंज, यह है स्मॉल चेंज इन वाई। डेल वाई क्या है तुमको, इट इज स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन वाई, और ये बाय स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज कितना, टेंस टू जीरो चेंज। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंपलर भाषा में इसको, सिंपल वे में इसको कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कह सकते हैं आप। ये वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहलाता है या डेरिवेटिव कहलाता है। ये जैसे इसी को हम लोग चाहें तो इसी को जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स लिख सकते हैं इसको। तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इसको लिखते हैं, इसको दूसरा फॉर्म में इसको लिखना चाहें, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट क्या होगा हमारा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और जहां तक कि डेल वाई का वैल्यू आएगा, तो डेल वाई का वैल्यू होगा कि जब इन दोनों को माइनस कर देंगे इसमें, तो डेल वाई का वैल्यू हो जाएगा, तो डेल वाई इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, डेल वाई यहां पर जो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो किसका वैल्यू हो जाएगा, वाई इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल वाई का वैल्यू क्या दिख रहा है ऊपर के लाइन को सब्सट्रैक्ट करने से, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और तुम्हारे बुक में डेल एक्स को एच लिखा गया है फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लिसिटी डेल्टा लेट एच इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ डेल्टा एक्स। तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इसी को डेल्टा एच, एक्स के जगह पर एच पुट किया गया है, तो हम उसी लैंग्वेज में इसको लिख दें, तो डी एफ एक्स बाय डी एक्स कह दें, जिसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, और इसका दूसरा सिंबल होता है इसको एफ डैश एक्स भी आप लिख सकते हैं। दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, अब तुमको हो गया लिमिट डेल्टा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच हो गया। ये तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन का मूल डिफरेंशिएशन हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन का ये तुम्हारा ये हो गया फॉर्मूला हो गया, जो कि तुम्हारा एच लिखे, डेल्टा एक्स भी लिख सकते थे, लेकिन सिंपली वो सिंबल का चेंजिंग है जो तुम्हारे बुक के आधार पर इस सिंबल को कर दिया गया है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो गया तुमको। अब तुमको डिफरेंशिएशन किसी वैल्यू एक्स पर के बजाय ए पर करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए अगर हो जाए, तो इसको हम लोग एफ डैश ए सिंबल दे देंगे, जहां जहां एक्स है वहां पर ए से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एफ डैश इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच हो जाएगा। तो कहीं एक्स इक्वल टू ए पर अगर डेरिवेटिव करना हो तो ये आप इसको परफॉर्म करें, तो ये तुमको जहां तक एक्स इक्वल टू ए पर करना है तो एक एक्स का वैल्यू इसमें परफॉर्म करें, अगर एफ डैश एक्स सिंपली एक्स के फॉर्म में चाहिए तो आप एक्स का वैल्यू मत पुट करें, और इस तरह से क्या कर सकते हैं आप इसको डिफ्रेंशिएट, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इन सबों को ये जो इसमें डिफरेंशिएशन है तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन कहलाता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल
डिफ्रेंसिएशन, इसके आधार पर फिर अलग अलग हम लोग फार्मूला बनाएंगे, तो उसके आधार पर फिर डिफ्रेंशिएट करके उस फार्मूला के आधार पर करेंगे, तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको लिमिट के आधार पर जो उसका बेसिक डिफिनेशन है उससे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो हम लोग पहले बेसिक डिफ्रेंशिएशन से कुछ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसके आधार पर और कुछ थ्योरम बनाएंगे, और उसके आधार पर फिर फार्मूला हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफिनेशन, जो हमारा डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला है, इससे हम लोग करके देखेंगे, और देयर आफ्टर इसके आधार पर जो डिफिनेशन जो और बनाएंगे थ्योरम, तो उसका यूज करके हम लोग सिंप्लीफाई करके हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, तुमको 13.5 से स्टार्ट होता है, पाँचवा चार एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के थे वो लिमिट में दिए हुए थे, हम लोग फोर्थ फिफ्थ एग्जाम्पल से अभी स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ एक्स इक्वल टू 3x का। तो अब देखो इस फॉर्मूला पर हम लोग जब भी मिटा है, तुम लोग नोट कर लिया होगा आई होप। अब देखो ये तुम्हारा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, 13.5 तेरहवां एक चैप्टर का है, एफ एक्स इक्वल्स टू है हमारा 3x और एफ डैश टू निकालना है। एफ डैश टू इक्वल टू व्हाट, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, एफ डैश टू इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला अभी हमारा, लिमिट h टेंस टू जीरो, जहां x का a था तो एक जगह पर 2 हो गया, 2 प्लस h माइनस एफ टू बाय एच हो गया। तो एफ एक्स का वैल्यू अगर हमारा 3x है तो एफ टू प्लस एच का वैल्यू क्या हो गया, 3 × 2 प्लस एच हो जाएगा, ये माइनस हो गया 3 × 2, जहां एफ एक्स का 3x है तो एफ टू प्लस एच का हो गया 3 × 2 प्लस एच बाय क्या हो गया तुम्हारा h। तो लिमिट h टेंस टू जीरो 6 प्लस 3h माइनस 6 बाय h, तो 6 तुम्हारा कैंसिल आउट हुआ, अब h कैंसिल होकर क्या होगा तुम्हारा h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू जीरो क्या बच गया हमारा 3 बच गया, इसमें तो h बचा ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना गया 3 आ गया आंसर, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया 3, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा इसका 3 हो गया। तो ये तुम्हारा इसका डिफरेंशिएट हो गया 2 पर जो है, तुमको जहां तक की बात रहा किसी पर भी ये 3 ही आता, 2 पर भी 3 पर भी जितना पर भी करते 3 ही आता। चलिए देखिए अगला एग्जांपल क्या है, 13.6 क्या निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और कितना पर निकालना है पहले, एफ डैश माइनस 1, एफ डैश माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में कुछ और है उसको बाद में प्रूव करते हैं। तो एफ डैश माइनस 1 निकालने के लिए जैसा कि देख लिया होगा, अब लिमिट h टेंस टू 0 एफ माइनस 1 प्लस एच माइनस एफ माइनस 1 बाय एच हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस एच हो गया, तो यहां पर क्या था एफ एक्स क्या है हमारा 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर ना, तो 2 के जगह पे क्या 2 हो गया, x की जगह क्या लिख देंगे माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस 3h है, प्लस 3 × माइनस 1 प्लस एच और माइनस 5, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा माइनस यहां पर f1 देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 माइनस 5 माइनस 1, इनफैक्ट यहां पर एक्स क्या देना पड़ेगा हमें माइनस 1 देना पड़ेगा, यहां तो फिर माइनस 1 का होल स्क्वायर सेम ही हो जाएगा, बट 3 × क्या होगा यहां पर माइनस 1 बाय क्या होगा तुम्हारा एच हो जाएगा तुम्हारा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो यह तुमको 2 × क्या होगा तुम्हारा 2x स्क्वायर है ना, तो 2 × क्या हो गया तुमको इसका माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस 3 और प्लस 3h होगा, हाँ प्लस 3h, माइनस 3 प्लस 3h, ये माइनस 5 है ना,
और इधर क्या आ जाएगा तुमको, इसको सॉल्व कर दो इसको, तो टू टू प्लस थ्री टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस सिक्स हो गया ये। अब माइनस सिक्स तो अंदर में ना हो गया, तो प्लस सिक्स हो गया एकदम से, माइनस माइनस प्लस सिक्स बाय क्या होगा तुम्हारा एच हो गया, तो डिजिट तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो क्या होगा तुम्हारा लिमिट यहां पर आ गया तुम्हारा, उसको ब्रैकेट तोड़ने के बाद तुम्हारा क्या हो गया, देखो सिक्स तुम्हारा कैंसिल होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुमको, नीचे से बोलो लिमिट क्या है तुमको, एच टेंस टू जीरो कितना, लिमिट एच टेंस टू जीरो ब्रैकेट तोड़ो क्या होगा तुम्हारा, टू एच टू इंटू टू माइनस फोर एच माइनस थ्री एच रहने दो, प्लस थ्री एच माइनस फाइव प्लस सिक्स को वन कर दो, माइनस फाइव प्लस सिक्स है ना, तो प्लस वन ही कर लो। अब बाय क्या हो गया तुम्हें एच, देखो तो डिजिट कैंसिल हुआ, क्या क्या बचा है अब कैंसिल होने के बाद, क्या बच गया तुम्हारा, टू एच स्क्वायर नहीं बचेगा, हाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो गया तुम्हारा, हाँ प्लस टू एच स्क्वायर बाय एच, क्या लिखते टू एच स्क्वायर टू एच स्क्वायर माइनस एच, खाली टू एच स्क्वायर माइनस एच बाय एच, यही बचेगा सर। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो है तो एच कॉमन ले लो, तो टू एच माइनस वन बाय एच, एच एच तो कैंसिल हो गया और एच का वैल्यू जीरो पुट करो, टू इंटू जीरो माइनस वन, क्या आंसर कितना है देखो, माइनस वन आया तुम्हारा, क्या आंसर है, तो ये आ गया तुम्हारा। तो सिंप्लीफाई करना है इसमें, देखो यहाँ पर भी दिक्कत हो, और एफ डैश एक इसी का सेकेंड पार्ट है, जीरो पर निकालना है तुम्हें, इसमें क्या निकालना है तुमको, जीरो पर निकाल देना, तो जीरो पर भी हम लोग निकाल सकते हैं उसी पर, उसके जैसे क्या वैल्यू निकाले थे, एफ डैश जीरो निकालना है, ये तो और इजी होगा तुम्हारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, मतलब कि माइनस एफ जीरो बाय क्या होगा तुम्हारा एच, जीरो प्लस एच का मतलब एफ एच हो गया, सिंपली एफ एच पे निकाल देना, तो एफ एच पे कितना हो जाएगा, टू एच स्क्वायर प्लस थ्री एच माइनस फाइव, यही होगा, और माइनस जीरो पे होगा टू इंटू जीरो स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो माइनस फाइव बाय क्या होगा तुम्हारा ये एच हो गया, तो ये तुम्हारा क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये बच गया तुमको टू इंटू एच स्क्वायर प्लस थ्री एच, फाइव फाइव तो कैंसिल हो गया बाय ये हो गया एच, तो एच कॉमन लेके ये कट जाएगा, तो थ्री मतलब इसका आंसर आ गया ना, तो इसका आंसर आ गया तुमको थ्री आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच कॉमन ले तो टू एच प्लस थ्री बाय एच, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो टू इंटू जीरो प्लस थ्री दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ये थ्री आ गया, तो एफ डैश जीरो क्या आ गया तुम्हारा थ्री आ गया, तो एक क्या प्रूव करना था तुम्हारा क्वेश्चन एक सेकंड पार्ट में, एफ डैश जीरो प्लस तो देखते हैं प्रूव कर देते हैं, थ्री एफ जीरो कितना आ गया हमारा थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन, इसका तो थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो प्रूव, ये प्रूव हो गया सेकंड पार्ट, तो तुम्हारा ये तो इसमें क्या करना है सब जगह मतलब क्या पुट करते चले गए लिमिट में पुट करते चले गए, फिर अगला क्या है क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स का निकालना है एक्स इक्वल टू जीरो पर, चलिए तो इसको निकाल देते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 13.7 चलो ये तुम्हारा एग्जाम्पल 13.7 है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है और एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला को जैसे कि याद आदत बनाना पड़ता है, जैसे कि जितना आसान देखने में लगता है तो जब करोगे अपना तो तुमको कुछ दिक्कत आएगी, और जहाँ दिक्कत होगा तो तुम जो भी दिक्कत है तुमको तो इसका एग्जाम्पल वगैरह जो बता रहे हैं इसके आधार पर तुम एक्सरसाइज में सॉल्व करोगे तो बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन,
तो क्या होगा तुम्हारा लिमिट एफ डैश कितना का है, जीरो पे चाहिए ना, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो माइनस एच, एफ एच माइनस एफ जीरो बाय एच। चलो यहीं पे करते चल जाओ, साइन एक्स अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ एच साइन एच होगा, माइनस साइन जीरो बाय जी एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया साइन एच बाय एक्स। तो याद होगा इसका लिमिट हम लोग पढ़े थे इस थ्योरम की, इसका वैल्यू कितना था वन होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन वन हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट में ये समाप्त हो गया ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 13.8 क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू थ्री। देखो एक्स इक्वल टू जीरो पर निकालते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, तो एफ एच ही कहें, माइनस एफ जीरो बाय एच हो गया। तो एफ जीरो कितना हो गया तुमको, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, थ्री एक्स है, एफ जीरो थ्री एक्स है ना, थ्री खाली कितनी है, थ्री एक्स, थ्री सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू थ्री है, तो थ्री हो गया। तो चाहे एफ एच का वैल्यू थ्री ही होगा, एक्स का कुछ भी मान होगा थ्री होगा, थ्री माइनस थ्री बाय एच हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एग्जैक्ट जीरो आ गया, ये एग्जैक्ट जीरो है, ये जीरो एग्जैक्ट है, तो बराबर इज इक्वल टू जीरो हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं गया, ये टेंस टू जीरो और ये एग्जैक्ट जीरो, इसका आंसर क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। और इसी तरह से अगर हम लोग एफ डैश कितना पर एक था तुमको, जीरो के अलावा एक एफ डैश थ्री निकालना था, तो यहां पर थ्री पर भी करेंगे, एफ थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री बाय क्या हो गया तुम्हारा एच। तो एफ थ्री प्लस एच लें या एफ जीरो प्लस एच लें, एफ एक्स का वैल्यू थ्री ही रहेगा, तो ये थ्री माइनस थ्री, एफ एक्स इक्वल थ्री ही था ना हमारा, तो कोई भी वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, वैल्यू थ्री ही होगा, तो हमारा क्या होगा वैल्यू तुम्हारा जीरो बाय एच, दैट्स इक्वल टू जीरो। तो ये तुम्हारा कोई भी वैल्यू पर ये क्या रहा, जीरो ही हुआ। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल जो पहला था जैसे कोई किसी पर्टिकुलर नंबर पर, वो समाप्त हो गया तुम्हारा। इसके बाद और जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं तुमको उसका नेक्स्ट वाला, जिसमें कि एफ डैश एक्स का, तो उसमें एक्स का वैल्यू जीरो नहीं रखना है, तो उसमें डायरेक्ट एक्स का वैल्यू जीरो नहीं रखाएगा, उसमें क्या रहेगा, वो एफ डैश एक्स और कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे हम लोग, एफ डैश एक्स इक्वल टू शुरू वाला बताए थे उस फॉर्मूला को यूज कर देंगे। तो फिर से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, दोस्ती उस पर एग्जाम्पल बेस्ड है तो उसको फिर से बना लेंगे हम लोग। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इस फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल पर ही है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर एक्स प्लस एच रहेगा, किसी एक नंबर पर नहीं है, तो यहां पर एफ एक्स प्लस एच बटे एफ एक्स बटे एच रहेगा, भले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तो तभी इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, लिमिट एग्जिस्टेंस लिमिट का होना चाहिए, टू डिफरेंशिएट लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट, टू डिफरेंशिएट लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो इसका जो टेस्ट करना पड़ेगा अगर जहां पर कि डाउट होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल करके उसका टेस्ट करना पड़ता है कि तुमको ये लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो डिफ्रेंसिबिलिटी का टेस्ट करना होता है, जो कि क्लास 12 में तुम्हें दिया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सारा डिफ्रेंसिएबल ही फंक्शन दिया गया है। तो जैसे क्या है तुम्हारा अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 13.9, एफ एक्स इक्वल टू 10x है, तो एफ एक्स इक्वल टू 10x हो गया, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा हमारा, 10x प्लस एच हो जाएगा, 10x प्लस एच हो जाएगा। चलिए तो एफ डैस एक्स निकालिए, तो हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे इसको, लिमिट 10 ओहो अच्छा अच्छा तो 10 इंटू एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच हो गया, तो हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो 10 इंटू क्या हो गया एक्स प्लस एच माइनस 10x बाय एच हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो 10x प्लस 10h माइनस 10x बाय h हो गया, 10x 10x कैंसिल हो गया, h भी कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारा 10, लिमिट h टेंस टू जीरो 10, तो इसमें तो h बड़ा बचा ही, तो आंसर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। तो ये डेरिवेटिव हो गया, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया तुम्हारा। अगला क्या है तुम्हारा क्वेश्चन,
fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 13.10 हो गई, 13.10 आइए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आइए, और तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा हमारा x प्लस एच का होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच हो गया, जो डिफिनेशन हम लोग लिख दिए पहले। तो अब है तुमको x प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया इसके जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या होगा तुम्हारा ये h हो गया, तो लिमिट h टेंस टू जीरो क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एच हो गया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा बच गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर कॉमन हो गया क्या तुम्हारा एक्स एच कॉमन हो गया, तो एच कॉमन हो गया तो टू एक्स प्लस एच बाय एच बच गया, एक एच कैंसिल हो गया, तो टू एक्स तो यहाँ रहा ही प्लस जीरो, एच के जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग जीरो, तो ये हो गया आंसर हमारा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये टू एक्स आ गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट हमारा टू एक्स हुआ। चलो अगला क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, एक मतलब है तुम्हारा 13.10 11, तो ए है तो कांस्टेंट फंक्शन है तो यह का डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो अभी ये जीरो आ जाएगा 13.11 एफ एक्स इज इक्वल टू ए है तो एफ एक्स प्लस एच भी तुम्हारा ए ही होगा क्योंकि ये बदलेगा नहीं ये कांस्टेंट है, तो अब हम लोग एफ डैश एक्स निकालना है तो फॉर्मूला हमारा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये तुम्हारा हो गया कि एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू ए माइनस ए बाय एच हो गया, तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो ये जीरो बाय एच हो गया, तो ये एग्जैक्ट जीरो है ये टेंस टू जीरो, आंसर क्या हो गया हमारा जीरो हो गया तुम्हारा, तो ये 13 ये 11 था ना समाप्त हो गया। अगला 13.12 fx इक्वल्स टू 1 बाय एक्स है तो fx प्लस एच कितना हो जाएगा हमारा 1 बाय एक्स प्लस एच आ जाएगा, फॉर्मूला बैठाइए इसको f डैश x इक्वल टू क्या हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो fx प्लस एच माइनस fx बाय एच आ गया, लिमिट एच टेंस टू तो 1 बाय एक्स प्लस एच हो गया माइनस 1 बाय एक्स हो गया और बाय क्या हो गया तुम्हारा एच हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो ये हो गया तुमको एक्स प्लस एच इंटू क्या होगा तुम्हारा ये एक्स इंटू ये नीचे एच रह ही जाएगा इसका मल्टीप्लाई में और ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस एच आ जाएगा, ब्रैकेट भी तोड़ दिए तो माइनस एच बचेगा ऊपर, तो माइनस एच है और एक एच है तो यहाँ पर एच एच कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो तो माइनस वन बाय एक्स प्लस एच इंटू एक्स, अब इसमें जीरो पुट कर दीजिए माइनस वन बाय एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स दैट्स इक्वल्स टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया इसका आंसर हो गया तुम्हारा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर आ गया। चलो तो ये तुम्हारा हो गया डिफ्रेंशिएशन इसका भी, तो अब क्या है इसके बाद का थ्योरम दिया हुआ है तो थ्योरम है तुमको कुछ, अब हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे कुछ जो है रूल्स इसका, जैसे कि है तुमको कि जब प्लस में तुमको डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसका थ्योरम है कि उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, माइनस में भी अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं तो उसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। थ्योरम 5 करके तुम्हारे बुक में है जिसमें कि पहला नंबर हम लोग लिखते हैं, इसमें 3-4 फार्मूला में हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग कोई दो फंक्शन है u और v, अगर है तुमको दो फंक्शन है एक यू एक्स एक वी एक्स, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यू भी ही लिख देते हैं, ये यू भी एक्स का फंक्शन है अगर, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आप u को अलग और v को अलग कर सकते हैं, ये एक थ्योरम है कि इसको अलग अलग जैसे लिमिट में अलग कर सकते, लिमिट के आधार पर ही बना हुआ तो लिमिट में जब हम अलग अलग कर सकते थे तो यहां भी हम क्या कर सकते हैं उसको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस में से लिमिट में अलग अलग कर सकते थे तो उसी प्रकार से लिमिट में यहां भी हम लोग, तो ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर तुम्हारा फॉर्मूला, अगर ये माइनस रहा बीच में
तो भी इसको हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, इसको माइनस को बीच में कर सकते हैं। यू और भी एक्स का फंक्शन है। तीसरा है प्रोडक्ट रूल है तुम्हारा, इसको जो है ध्यान से याद कर लोगे फॉर्मूला, यू इंटू भी रहेगा तो पहले एक को बाहर कर दो जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर दूसरा को बाहर करो और पहला का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है u इंटू भी में, कि पहले एक को बाहर करना है फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर, किसी को भी आगे पीछे करेंगे तो प्लस है, बीच में दिक्कत नहीं होगा। चौथा में तुम्हारा है डिवाइड का रूल है, u बाय भी है, तो इसमें पहले भी मतलब पहले डिनोमिनेटर है उसका, उसको बाहर करना है, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, भी du बाय dx माइनस का चिन्ह है इसलिए इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते हो, ध्यान रहे माइनस u dv बाय dx। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम में आया है, बाय में भी का स्क्वायर। तो ये तुमको इस सब फार्मूला पर तुमको क्वेश्चन सब बनाने का प्रैक्टिस करना होगा। तो ये तुम्हारा चारों फार्मूला है जिसको कि नोट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया यू इंटू भी और यू प्लस भी, प्लस माइनस में हम लोग अलग अलग फंक्शन को कर सकते हैं। ये थ्योरम था तुम्हारा, थ्योरम नंबर 5 था। अब थ्योरम 6 है तुम्हारा कि एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन हमें प्राप्त करना है। तो x पावर n का डिफरेंशिएशन हमें करना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो जहां भी बार बार है हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के बजाय इसको डायरेक्ट इस थ्योरम का यूज करके भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सब जो थ्योरम बताया जा रहा है जिससे कि हमको डिफरेंशिएट करने में क्या हो जाएगी, आसानी होगी। तो हमारा है थ्योरम सिक्स है तुम्हारा कि d by dx x to the power n equals to n x to the power n minus 1। ये फार्मूला याद करना है, ये डिफ्रेंशिएशन ये फार्मूला है, इसको प्रूव भी किया हुआ है तुम्हारे बुक में, तो प्रूव भी कर दिया जा रहा है यहाँ, तो प्रूव करते हैं इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वही हमारा अप्लीकेबल होगा। हमारा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर एन है, तो एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस एच पर पावर n हो जाएगा हमारा। चलिए तो अब हमको f डैश x निकालना, इसको डिफ्रेंशिएट करना, दैट इज f डैश x। तो लिमिट क्या होगा हमारा, h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। चलिए यहां वैल्यू पुट कीजिए, x प्लस एच टू द पावर n हो गया माइनस x टू द पावर n हो गया बाय एच हो गया। इसमें अगर बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला याद होगा, तो ये तुम्हारा हो गया लिमिट एच दिया, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला भूल गए हो तो देख सकते हो बुक को कंटेक्ट करो, नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू एच का स्क्वायर डॉट 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 एन सी एन एच पर पावर एन, और माइनस है तुमको एक्स पावर एन जो पहले से है वो तो रहेगा, और बाय में क्या होगा तुम्हारा एच हो गया। तो अब देखो पहला भी एन सी जीरो वन होता है तो दैट इज एक्स पावर एन तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, पहला और लास्ट क्या होगा तुम्हारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट क्या बच गया हमारा, एन सी जीरो वन होता है तो वो तुम्हारा एन सी जीरो वन हो गया, दैट इज पहला फर्स्ट और लास्ट कैंसिल हो गया। ये तुम्हारा जो है n x टू पावर n कैंसिल आउट हो गया, तो अब बच गया यहाँ पर n बच गया एन सी वन तुम्हारा n हो, मतलब एन सी वन n हो गया और x टू पावर n माइनस वन इंटू एच है तुमको, x टू पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू x टू पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर और डॉट 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 तुम्हारा क्या हो जाएगा एन सी एन एच पर पावर n बाय एच हो गया। एच सब में कॉमन है तुम्हारा, तो एच को क्या लेते हैं लो कॉमन ले लो, एच को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एच कॉमन हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इसमें भी कॉमन है क्या बच गया एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स टू पावर एन माइनस टू इंटू एच और डॉट डॉट क्या हो गया एन सी एन एच टू दी पावर एन माइनस वन बाय एच। तो एच तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, यहां से एच दो क्या होगा कैंसिल हो गया। अब इसमें एच का वैल्यू जीरो पुट करें, सब टर्म में एच है ही, पहला टर्म हमारा क्या है एच ने है, तो हमारा पहला टर्म में एच बच जाएगा, बाकी में सब एच जीरो पुट करें तो हमारा क्या जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा एन एक्स टू पावर एन माइनस वन हो गया तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा डिवाइड एक्स एक्स टू पावर एन का वैल्यू क्या हो गया एन एक्स टू पावर एन माइनस वन।
अब जैसे तुमको कोई भी बहुत से पॉलीनोमियल फंक्शन है, जैसे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कोई कॉन्स्टेंट से अगर मल्टीप्लाई रहा, जैसे कि तुम्हारा है एक रूल के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई डी बाई डी एक्स के इंटू सी इंटू यू रहा, तो इसका जैसे कि ये तुमको सी तुम्हारा कहते हैं, इसको बाहर कर सकते हो डी यू बाई डी एक्स, ये भी एक रूल के रूप में तुम इसको लिख सकते हो, ये भी एक रूल हो गया, जहां पर क्या होती है सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, ये सी कॉन्स्टेंट है तुम्हारा, तो इस ढंग से इसको हम लोग लिख सकते हैं, सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है तुम्हारा, तो इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। चलो एग्जाम्पल क्या है बोलो, 13.13 क्या है बोलो, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x टू द पावर 100 6x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 55 प्लस x प्लस x। देखो अब इसको जैसे अभी जो हम लोग थ्योरम यूज किए हैं उसके आधार पर इसको बनाए, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, पहले प्लस माइनस में क्या कर सकते हैं हम लोग अलग अलग, क्या होगा डी बाई डी एक्स क्या होगा तुम्हारा 6x टू द पावर 100 हो गया, माइनस कितना हो गया डी बाई डी एक्स माइनस बीच में 55x हो गया, और क्या होगा फिर प्लस डी एक्स है, ये कितना है सिर्फ एक्स है तो एक्स ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। आप एक बताए थे कि ये जो नंबर है जो कांस्टेंट है 6, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इससे बाहर कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, और एक्स टू द पावर क्या होगा 100, और ये क्या होगा तुम्हारा माइनस 55, और क्या होगा तुमको डी बाई डी एक्स एक्स ही है, ये दोनों एक्स है, एक्स 55 है, एक्स टू द पावर 55 है ये, और ये क्या होगा तुम्हारा प्लस हो गया ये प्लस डी एक्स बाई डी एक्स ये वन हो गया, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, और ये होगा तुम्हारा 6 इंटू एक्स टू द पावर क्या तुमको 100, तो एक्स अब एक्स टू द पावर एन का जो फॉर्मूला था हमारा एन के जगह पर 100 हो गया, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और ये हो गया तुमको माइनस हो गया तुमको ये 55 इंटू आ गया तुमको आज इसमें जैसे तुम्हारा है तुम्हारा ये जो तुम्हारा है 55 यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है इसको जो इसको मिटा दो, तो ये तुम्हारा अब जो फॉर्मूला आएगा तो ये क्या जाएगा माइनस 55 एक्स टू द पावर क्या जाएगा हमारा 54, और ये तुम्हारा हो गया प्लस डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया 1 हो गया 55 माइनस 1 दैट इज 54, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 600 एक्स टू द पावर 99 और माइनस क्या होगा तुमको 55 एक्स टू द पावर 54 प्लस 1, यही आंसर है, एक्स को 0 पे लिखना है, कितना पे देना है वैल्यू, आंसर हो गया तुम्हारा। तो अगला क्या है क्वेश्चन, अब डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट 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 x के पावर 50 x पावर कितना 50 50 तक का है, ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुमको 13.14। चलो तो 14 नंबर देखते हैं, 13.14 है तुम्हारा एग्जाम्पल, तो ये है तुमको एफ एक्स इज इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट एक्स टू द पावर 50, तो ये भी एफ डैश एक्स निकालना है खाली, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे डी बाई डी एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर 50 हो गया, तो एफ डैश क्या होगा तुम्हारा x जो होगा तुम्हारा, इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग का जो रूल है कि 1 को अलग कर देंगे, फिर डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा तुम्हारा ये अलग हो गया, फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स अलग हो जाएगा, और फिर डॉट 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 अलग लास्ट वाला ही लिख दो x की पावर 50 बाई डी एक्स अलग हो जाएगा। अब 1 जो है तुमको कॉन्स्टेंट है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका डिफरेंस कॉन्स्टेंट चीज का डिफरेंस 0 हो गया, ये प्लस क्या होगा x का क्या होगा तुमको x पावर 1 है तो 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 ही हो गया, 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1 डॉट 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 लास्ट वाला 50 इंटू x टू द पावर 50 माइनस 1,
तो ये वन का तो जीरो हो ही गया, तो इसको तब लिखना जरूरी नहीं है, और ये एक्स का वन हो गया, चलो ये वन हो गया, ये टू एक्स हो गया, और अगला ऐसे लिखते थे थ्री एक्स स्क्वायर होता, जो कि लिखा हुआ ऐसे नहीं है ऊपर, प्लस क्या हो गया 50x⁴49, यही तुम्हारा डिफिशिट हो गया, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। चलो अगला क्या है, एक्स प्लस वन बाय एक्स, सिर्फ वन बाय एक्स, एक्स प्लस और पूरे में डिवाइड में एक्स है, लिखते हैं देखो 13.15 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, पूरे बाय एक्स कर दें, एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो इसमें यू बाय भी अप्लाई करेंगे, तो इसमें जैसे कि तुम्हारा एफ डैश एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स, देखो जैसे यू बाई भी फॉर्मूला आप इसको तोड़ेंगे तो एक्स प्लस वन बाय एक्स हो गया, तो ये यू बाई भी पे इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा यू बाई भी में क्या फॉर्मूला होता था, पहले होता था तुम्हारा भी इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो भी तुम्हारा कौन हो गया एक्स, और डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन, जो फॉर्मूला है उसको देखोगे माइनस, अब तुम्हारा क्या हो गया भी इंटू जो यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, और बाय में तुम्हारा हो गया भी का स्क्वायर, भी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो तुम्हारा हो गया अब एक्स इंटू, इसका डिफ्रेंसिएशन जब करना होगा तो हमको इसको दो से दो पार्ट में बांटना होगा, प्लस डी वन बाय डी एक्स माइनस ये हो गया एक्स प्लस वन इंटू वन, बाय हो गया तुमको एक्स का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एक्स इंटू क्या होगा तुम्हारा एक्स प्लस वन, एक्स हो गया यहाँ पर, और इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या करेंगे एक्स हो गया, और यहाँ डी एक्स वाई डी एक्स क्या हो गया ये वन हो गया, डी एक्स वाई डी एक्स वन प्लस क्या हो गया ये जीरो, और माइनस क्या होगा तुम्हारा ये एक्स प्लस वन हो गया ना, बाय एक्स स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आंसर यही हो गया माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ऐसे इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है, सेकेंड मेथड, देखो इसको सेकेंड मेथड से इसको बनाते हैं, तो हमारा था डी बाई डी एक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स, ऐसा था हमारा क्वेश्चन, तो इसको हम लोग अगर कर देते यहीं पर एक एक्स बाय एक्स अलग कर देते हैं प्लस वन बाय एक्स ऐसा कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स बाय एक्स तो हमारा वन हो जाता, प्लस ये एक्स टू दी पावर क्या होता मेरा माइनस वन हो जाता, अब अलग अलग डिफरेंस होता है डी वन बाई डी एक्स हो जाता प्लस डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस वन, ऐसा लिख सकते थे इसको, ये तो जीरो हो गया हमारा, और ये एन वाला फॉर्मूला तो माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन माइनस वन, तो माइनस टू हो गया, तो ये हो गया माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तुम्हारा एक्स टू पावर माइनस टू को नीचे जाकर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये सेकंड मेथड इस ढंग से भी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा अगला क्या है एग्जाम्पल साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो ये जाहिर है फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बनेगा, तो इसका कोई फार्मूला तो हम डिराइव किए नहीं है अभी तक, लेकिन अब अगर डिराइव कर लेते हैं तो ये फार्मूला के रूप में बन जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग अभी तक नहीं किए हैं, जीरो पर किए थे भले हम लोग, दैट इज वन आया था, लेकिन एज ए होल नहीं किए हैं, तो 13.16 एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है हमारा, तो इसका एफ डैश एक्स निकालना है तो एफ एक्स प्लस एच की निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो साइन एक्स प्लस एच हो गया, चलिए तो एफ डैश एक्स लिखिए, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, तो हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच, साइन सी माइनस साइन डी पर आएगा ये, तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या हो जाएगा तुमको ये टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू बाय एच हो गया तुम्हारा ये, तो टू लिमिट जो तुम्हारा हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस एक्स प्लस एक्स तो हो गया टू एक्स प्लस एच बाय टू इंटू साइन एच बाय टू, बाय में यहाँ एच है
तो ये साइन एम एक्स बाय एम एक्स लगने के लिए बाय टू करना होगा, तो इनटू भी क्या कर देंगे बाय डिवाइड की टू, ये टू ये टू टू आगे से कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर अब लिमिट पुट कर ही देते हैं, तो कॉस क्या होगा तुम्हारा कॉस टू एक्स प्लस जीरो बाई टू ऐसा हो गया हमारा इंटू ये वन हो गया, ये टू टू पहले कैंसिल हो चुका है, तो दैट इज कॉस टू एक्स बाई टू हो गया, दैट इज कॉस एक्स हो गया, यही तुम्हारा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया कॉस एक्स हो गया। इसी ढंग से कॉस एक्स का भी तुम करना चाहो तो माइनस साइन एक्स आएगा, तुम फॉर्मूला अपने से डिराइव करने का कोशिश कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी वहाँ पर लागू करोगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लागू करोगे तो माइनस साइन एक्स आंसर आना चाहिए, साइन एक्स का से कॉस एक्स ला दिए तुम गाना जो है कॉस एक्स का करोगे तो माइनस साइन एक्स आंसर पुराओगे। अब जैसे तुमको एक टेन एक्स का दिया हुआ है ना, तो टेन एक्स का भी करते हैं, उसको साइन एक्स बाय कॉस एक्स करके करेंगे, मतलब कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स का अर्थ हुआ कि उसको साइन बाय कॉस कर देंगे, 13.17 है ये, तो एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है तुम्हारा, ये लास्ट एग्जांपल है शायद, एक और है शायद टेन एक्स प्लस एच हो गया। अब एफ डैश एक्स करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, चलो फॉर्मूला नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख देते हैं, टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स बाय क्या हो गया तुम्हारा एच हो गया, तो इसको जैसे कि साइन बाय कॉस लिख दो, साइन एक्स प्लस एच बाय कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स बाय एच हो गया। एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या हो गया तुम्हारा साइन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एक एच पहले से है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया तुमको साइन एक्स प्लस एच तो है ही ऊपर इंटू में हो गया कॉस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स ऐसा हो जाएगा तुमको, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कौन सा फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया, तो साइन ए की जगह एक्स प्लस एच हो गया, बी की जगह पर एक्स हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा हो गया साइन ए माइनस बी बटे क्या हो गया तुमको कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच हो गया, कॉस एक्स इंटू एच हो गया, तो ऊपर क्या हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई क्या हो गया ये कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच, साइन एच बटे एच क्या हो गया वन हो गया, साइन एच बाय एच वन हो गया, तो वन बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू वन दैट्स इक्वल टू वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो गया तुम्हारा, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया तुम्हारा वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स का, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स हो गया। एक है 13 पॉइंट कितना है 18 लास्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जैसे यू इंटू वी पर कर सकते हैं इसको ऐसा, तो एक जैसे तुमको ये जो लास्ट है तुम्हारा इसका एक तरीका और भी होता है जो कि तुमको क्लास 12 में स्टार्ट किया जाता है उसका, जैसे कि चलो एक दोनों मेथड को बताते हैं 13.18 चलो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्लास 11 का जितना मेथड हम लोग सीख पाए हैं तो उसके आधार पर इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स तो लिख ही सकते हैं, u इंटू भी जो हमारा फार्मूला था तो एक को बाहर कर देना है और दूसरा का डिफ्रेंशिएट करना ऐसा कहा गया था, तो बाय डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला भी याद कर लिया होगा ये क्या होता है कॉस एक्स, तो दूसरा दोबारा भी यही होगा डी साइन एक्स बाय डी एक्स दोनों तो एक ही चीज़ है, तो तुम्हारा एक बार u भी को बाहर करते हैं एक बार u को बाहर करते हैं, यहाँ u और भी दोनों तो इक्वल ही है तो सेम ही चीज़ दोनों बार रिपीट करेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बताया गया कि ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या हो गया कॉस एक्स, तो लाइक वाइज यहाँ भी क्या हो गया साइन एक्स इंटू क्या हो गया ये कॉस एक्स दैट्स इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग साइन टू एक्स भी कहते हैं, ये भी तो यही तुम्हारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारा। एक दूसरा जो कि तुम्हारा तरीका जो कि क्लास 12 में जैसे जाओ मैंने फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन शुरू होता है यहाँ पर के बाद एक दूसरा वे होता है जिसको कि हम लोग यहाँ पर अगर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें जो तुमको क्लास 12 के आधार पर भी इसको भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे देखो उसको कहते हैं वो चेन रूल कहते हैं, चेन रूल का मतलब देखो जैसे तुम्हारा क्या है अभी डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय डी एक्स है, तो यहां पर दिक्कत क्या है जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है हमारे पास,
ये एक फार्मूला है। लेकिन यहां दिक्कत क्या है इस फार्मूला पर एडजस्ट होने में, यहां पर यहां साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पर साइन यहां पर क्या है, यहां पर डी, और दूसरा एक फार्मूला है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स का वैल्यू होता है तुमको 2x^2-1। तो यहां होल स्क्वायर का फार्मूला लागू होने के लिए यह जरूरी है कि यहां पर एक्स है, यहां भी एक्स टू पावर एन हो जाए। यहां पर क्या परेशानी है, यहां पर साइन एक्स का स्क्वायर है, लेकिन यहां पर एक्स नहीं, यहां साइन एक्स नहीं है हमारा, इसलिए हम एन वाला फार्मूला जो था एक्स पावर एन वाला फार्मूला यहां लागू नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा तुमको, इसके लिए देखो एक जो तर्क यहां पर जो माइंड में इंसर्ट करो कि अगर हम यहां पर डी साइन एक्स से कर दें डिवाइड इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ऐसा मैथमेटिक्स में जितना से मल्टीप्लाई किए जिस चीज से उतना से हम डिवाइड करते हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है, देखिए आपका ये x टू द पावर n जैसे y टू द पावर n आप समझे, जैसे कि ये y है अगर, तो ये y का स्क्वायर है, तो हमको तो जो डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। पहले यहां पर x अलग है ऊपर साइन x है, यहां x है, तो n वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पा रहा था, अब हमारा n वाला फॉर्मूला लागू होगा यहां पर, चूंकि और x मतलब यहां पर y के जगह साइन x के हैं, तो क्या होगा हमारा 2 साइन एक्स टू दी पावर 2-1 ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो इसको फॉर्मूला पर सेट होने के लिए इसको साइन एक्स, और जितना से डिवाइड किया उतना से, और साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है, ये कॉस एक्स, ये है तुम्हारा, तो ये क्या होगा हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट्स इक्वल टू साइन 2x। इसको लोग चेन रूल कहते हैं, जो कि तुम्हारा क्लास 12 में इसी से यहां यहीं से स्टार्ट होगा तुम्हारा, जैसे कि अभी दो पार्ट में टूटा, किसी में चार पार्ट में पांच पार्ट में अलग अलग ये टूटते जाएगा। तो ये सेकंड मेथड तुम्हारा हुआ, जो कि जाहिर है समझने का इसको कोशिश करोगे, इसके आधार पर ही बनाओगे बन जाएगा इस सेकंड मेथड इसको बनाने का। ये तुम्हारा था इसका जो तुम्हारा है, अब तुम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 तुम सॉल्व करोगे, और जहां भी दिक्कत है राइटफुल ऐप के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में तुमको कोई भी मदद लेना हो पर्सनली भी, तुम हमसे कॉल करके टाइम लेकर के अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। कत देर